क्या क्या तरीका है? माननीय सदस्य, मैंने सारी बात एक मिनट, आप बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। मैंने पूर्व में भी कह दिया है, सारे विषय को मेरे संज्ञान में आपने ला दिया है, कभी टेक्निकल चूक हो जाती है, मैं सारे विषय की जांच कराऊंगा। ओके ओके प्लीज 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 माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, माननीय प्लीज एक मिनट बैठिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आप बैठिए 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 क्या बैठिए बैठिए प्लीज, विषय आपको मौका देंगे प्लीज, ऐसे क्या? हाँ चलिए प्लीज, कोई अपमान नहीं है, टेक्निकल चूक है। ओके प्लीज प्लीज प्लीज, आप सदन के नेता ऐसे मत करिए, मैंने इतनी व्यवस्था दे दी, प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है, इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई है, जो अभूतपूर्व है। दुनिया भर से आए 42 प्रतिनिधि मंडलों के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समिट अपने आकार, भव्यता और प्रभाव में अभूतपूर्व था। इससे विश्व को भारत की विविधता, लोकतांत्रिक शक्ति और प्रतिभा को देखने का अवसर मिला है। भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन में G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया और संवेदनशील मुद्दों पर भी सबकी सहमति बनी। विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि भारत के नेतृत्व एवं सक्रिय प्रयासों के कारण वैश्विक उत्तर दक्षिण के बीच दूरी के पाटने और पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। ये विश्व में भारत के ऊंचे कद और बढ़ती प्रतिष्ठा तथा इस सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को जो वैश्विक सद्भावना प्राप्त हुए, ये उसी का प्रमाण है। ये इस बात की भी स्वीकृति है कि कई प्रकार के विभाजनों से ग्रस्त विश्व में भारत शांति और संयम की आवाज है। भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज को G20 की चर्चा के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी अध्यक्षता की शुरुआत में भारत ने जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों के नेतृत्व ने भाग लिया। ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं
और अपेक्षाओं को G20 एजेंडे में शामिल किया गया। शिखर सम्मेलन की घोषणा में निर्धनता उन्मूलन, जलवायु वित्त, ऋण संबंधी समस्याओं से निपटने, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास सहित विकासशील देशों के हितों से संबंधित विषयों को प्रमुखता दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। विश्व के शीर्ष नेतृत्व को राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देते देखना एक अद्भुत दृश्य था। उन सभी ने महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शांति और अहिंसा के सार्वभौमिक विचार और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को स्वीकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करने, उसमें समय के अनुसार बदलाव लाने का पुरजोर समर्थन किया। इस विभाजित विश्व में स्थिरता, वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक बहुपक्षवाद के लिए यह महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, G20 का दृष्टिकोण अर्थ केंद्रित न होकर अब व्यापक रूप से मानव केंद्रित हो गया है। सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करने, हरित विकास समझौतों को प्रोत्साहित करने, महिलाओं के नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करने, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल करने, प्रारंभिक चिकित्सा की भूमिका को मान्यता दिए जाने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई वह सराहनीय है। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अधिक सक्रिय करना, विकास के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, विश्व स्तर पर कार्य के अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग के माध्यम से सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा कौशल की कमी और गतिशीलता की समस्या का समाधान करना, ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग, MSME की सहायता करना और जैव ईंधन के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। इनका लाभ पूरे देश को प्राप्त होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पहलों से एक कनेक्टेड भविष्य की नींव रखी गई है जिसमें आगे भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। पर्यावरण समर्थन के लिए लाइफ संबंधी उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अंगीकृत किए जाने और जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त और निवेश में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता को विकसित देशों द्वारा स्वीकार किए जाने से इस क्षेत्र में भारत का नेतृत्व स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है। भारत की अध्यक्षता में महिलाओं और आपदा जोखिम को कम किए जाने के बारे में G20 कार्य समूह के गठन के साथ साथ स्टार्टअप पर एक नए G20 की स्थापना के रूप में नई उपलब्धि दर्ज की गई है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में डक्कन उच्च स्तरीय पहल, भूमि संबंधी पहल पर गांधीनगर रोडमैप, पर्यटन के विषय पर गोवा रोडमैप, नीली और महासागरीय अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय पहल और काशी सांस्कृतिक पथ से आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में विश्व का मार्गदर्शन होगा और हमारे देश गौरवान्वित होंगे। अगले माह हमारी संसद को हमारे G20 अध्यक्षता के क्रम में पार्लियामेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के प्रत्येक माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतंत्र की जननी भारत की भूमि पर
पूरे विश्व का स्वागत करने और वसुदेव कुटुंबकम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिल हो। मुझे विश्वास है ये सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करने, भारत के लोगों को उत्साह बढ़ाने और सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान को सराहना करने में मेरा साथ देगी। श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभापटल पर रखता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, हमारा ये संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से लेकर भारत के संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया और इसके साथ ही हमारे आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा है। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मालवणकर जी ने 15 मई 1952 को अपना पदभार ग्रहण किया था। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति सहित कई अन्य संसदीय समितियों की स्थापना की और सदन के अंदर उच्चतम परंपराओं की नींव रखी। इस सदन में अभी तक मेरे पूर्व 16 माननीय सदस्य अध्यक्ष सदन के आसन पर विराजमान हुए और उन सभी ने श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित की है। माननीय सदस्यगण, इस कक्ष के माध्यम से अब तक 15 माननीय प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उन सभी ने अपने विचारों और कार्यों से देश की दशा और दिशा तय की है। माननीय सदस्यगण, ये सदन संवाद संस्कृति का जीवंत प्रतीक रहा है। विभिन्न दलों के बीच सहमति असहमति के बीच पिछले 75 वर्षों में देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए। संसदीय विचार विमर्श की पद्धति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाए गए। आपदा और संकट के समय सदन ने एकजुटता और प्रतिबद्धता से उसका सामना किया। आज इस कक्ष में कार्रवाई का अंतिम दिन है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है। आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। हम नए भवन में नई आशाओं नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के नए भवन में हमारा लोकतंत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने विचार को व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद
ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था।
आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है, ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है, लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट, जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ रहने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है, खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए
इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़कर के नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं तब भारत के सामान्य मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी यह अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्षी पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा, सोचा नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं जो संसद भवन के अंदर जो चीजें लिखी गई है उसको पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर एक छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, लोक द्वारम करके पूरा वाक्य है। उसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ, हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ। हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया, यह हमारे सदन की संरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक पहरवेश हैं, अनेक खानपान है, सदन के अंदर सब कुछ है। और समाज के सभी तबके के लोग, चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, हर न हर एक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सदन में आदरणीय इंद्रजीत गुप्ता जी 43 ईयर, अगर मेरी गलती नहीं हो तो 43 ईयर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला था। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की, सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सब ने अनुभव किया है, हम सब ने इनिशिएट भी किया है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारा यहाँ का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं, हम उसी प्यार से, सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है, वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर गंभीर बीमारियों के बावजूद भी कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ता, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है, हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया, आवश्यकता पड़ी डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था, सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था,
बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए, हर चीज के साथ। राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना, संसद को चलाए रखा। और मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है कि पहले कभी हम देखते थे, कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंटर हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है, वैसे उनको सदन में आने की आदत होती, इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो आते जाते भी मन करता है जरा चलो एक चक्कर काटते, आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व तो नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है, ये सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, पचासों। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया, और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे, और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है, इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई, और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है हमारे संविधान दिया, और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया, यहां जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति। और हम देखते हैं राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ जी कोविंद, और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है।
विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे, ये सदन दर्द से भर गया जब देश को तीन अपने प्रधानमंत्री, उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रु भीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें दो हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती ना हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत ना हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम इनके द्वारा हुआ है उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है, इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को, किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा, कई प्रकार की सेवाएं की होगी, किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी, न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिस जिस ने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी
एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे, और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर के अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों के लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली होती। अरे एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है, और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधुओं के जो रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुक पल है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुक पल होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहे। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों के ट्रम से भी सब है, उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन के अंदर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है। हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है, उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं ये सदन भी उस 7,500 जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है, और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए भी आएगा, तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज
यहां पर गुंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया जाएगा, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्रिपरिषद थी, बाबा साहब अंबेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब अंबेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा, औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी, और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र पे झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी, वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी हो, चंद्र